नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको विंध्याचल की छवि को वृहद स्वरूप देने वाली विंध्याचल रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे कैसा बनेगा विंध्याचल रेलवे स्टेशन, क्या है इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति तथा परिक्षेत्र की एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही यहां मिलने वाली सुविधा तथा विशेषताओं की भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश को विकसित होने के लिए वहाँ की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है तथा इसकी महत्ता को समझते हुए देश की वर्तमान सरकार भारत के विभिन्न आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विकास कर रही है। फिर चाहे वो रेल व रोड नेटवर्क हो अथवा विकास की दौड़ में गति बनाने के लिए बुलेट ट्रेन, मेट्रो व एक्सप्रेसवे आदि का निर्माण या फिर एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, इस समय संपूर्ण भारत में हर ओर कोई न कोई विकास कार्य संचालित है जिसका अनुभव आप स्वयं भी अपने क्षेत्र में रह करके कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम आपको उत्तर भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक नगर के रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय होने की परियोजना की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि विश्व में विशेष पहचान बना रही काशी के ही प्रकार से अब वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल का रेलवे स्टेशन भी विश्व स्तरीय होगा। परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि रेलवे बोर्ड ने विंध्याचल रेलवे स्टेशन के आधुनिक व स्मार्ट बनाने के लिए डिजाइन को स्वीकृति दे दी है तथा बीते 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विंध्याचल रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित करने के लिए वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके परियोजना का शिलान्यास कर दिया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि श्रद्धालुओं को सुविधा देने की दृष्टिकोण से रेलवे की ओर से व्यापक स्तर पर जीर्णोद्धार के कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से मिर्जापुर और चुनार स्टेशन समेत 554 स्टेशनों का पुनर्विकास 1500 आरओबी व अंडरपास के लिए वर्चुअली शिलान्यास व लोकार्पण कर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस समयावधि में स्पष्ट किया था कि पाई पाई जोड़कर रेलवे का विकास कराया जा रहा है। इसी को लेकर 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 554 स्टेशनों का शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। इसमें दिव्यांग बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति दर्शाते हुए परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ ही यहां की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। विंध्याचल स्टेशन के कायाकल्प के लिए 26,82,00,000 रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। पूरे देश में चयनित 508 स्टेशनों के कायाकल्प के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यही नहीं, विंध्याचल के अतिरिक्त मिर्जापुर व चुनार रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत योजना के अंतर्गत कायाकल्प के लिए चयनित किया गया है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत जिन रेलवे स्टेशनों को उच्चीकरण किया जा रहा है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्री सुविधाओं की दृष्टि से बेहतरीन पार्किंग स्थल होगा, पूरे रेलवे स्टेशन का नया भवन होगा, ग्रीन बिल्डिंग बनाई जाएगी, हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी को अधिक से अधिक सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जाएंगी। दैनिक जीवन में जो कठिनाइयां हैं उसका सामना आम जन को रेलवे स्टेशन पर न करना पड़े, इसका ध्यान रखा जाएगा। रेलवे स्टेशनों का इस प्रकार से विकास किया जाएगा कि वे नगर के केंद्र में हों। यह एक अनूठा अनुभव होगा जो यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने के पश्चात प्राप्त होगा। बता दें कि मिर्जापुर रेलवे स्टेशन 34,25,00,000 रुपए और चुनार स्टेशन को 19,90,00,000 रुपए से उच्चीकरण उसे किया जाएगा। साथ ही 70,77,00,000 रुपए की लागत से निर्मित 3 रेलवे ओवरब्रिज एवं अंडरपास का लोकार्पण भी किया गया है। अंडरपास व ओवरब्रिज चुनार के कजरहट, देवाही व विरोही में निर्मित किए गए हैं।
अमृत भारत स्टेशन पर रूफ प्लाजा, रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ ही इंटरनेट वाईफाई की सुविधा होगी, वेटिंग हॉल बनेंगे और इसके साथ ही स्टेशनों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग स्टैंड भी बनाए जाएंगे। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत मिर्जापुर व चुनार रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, स्टेशन की भव्य इमारत, यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास, फुट ओवर ब्रिज, स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं विंध्याचल रेलवे स्टेशन के बाहर पुराने हो चुके शेड को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, जिसकी हम आपको ड्रोन व्यू दर्शा रहे हैं। जानकारी हेतु बता दें कि विंध्याचल धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निकटतम विंध्याचल स्टेशन धाम से ही मात्र 500 मीटर अर्थात पैदल मार्ग पर ही स्थित है। यहां से धाम की पहुंच सुगम होने से स्टेशन के विकास को अधिक महत्व दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए नई योजना अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशन कायाकल्प के लिए चयनित किए गए हैं। पहले चरण में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के उच्चीकरण व पुनर्विकास कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त बनाने का कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से कर दिया है। पहले चरण के कार्य के लिए उत्तर मध्य रेलवे के 15 और प्रयागराज मंडल के 7 स्टेशन चयनित किए गए हैं। इनमें से एक विंध्याचल रेलवे स्टेशन भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त यह भी बता दें कि रेलवे स्टेशन विंध्याचल से विंध्यवासिनी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। रेलवे स्टेशन से पुराने वीआईपी मार्ग तक जाने वाले संपर्क मार्ग को 40 फीट चौड़ा करने की तैयारी है। इसके लिए शासन से भूमि क्रय करने के लिए प्रथम किश्त के तौर पर 15 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। सड़क निर्माण के लिए शीघ्र ही सहमति के साथ ही भूमि अधिग्रहण व निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। विंध्याचल कॉरिडोर के अंतर्गत विंध्याचल में विभिन्न कार्य चल रहे हैं। हाल ही में विंध्याचल रेलवे स्टेशन से पुराने वीआईपी तक मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य योजना को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिली है। इसके अंतर्गत 24,27,41,120 रुपए से सड़क निर्माण के लिए भूमि क्रय किया जाएगा। रेलवे स्टेशन विंध्याचल से प्राधिकरण प्रशासनिक भवन होते हुए पुरानी वीआईपी मार्ग तक जाने वाले संपर्क मार्ग को 40 फीट चौड़ा किया जाना है। इस मार्ग के निर्माण से विभिन्न क्षेत्रों से ट्रेन के माध्यम से आने वाले श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से सीधे मां विंध्यवासिनी के दरबार तक पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार मंदिर में दर्शन के पश्चात ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री सीधे रेलवे स्टेशन भी जा सकेंगे। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको विंध्याचल रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय मां विंध्यवासिनी अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां विंध्यवासिनी।